बूस्ट योर प्लांट ग्रोथ विद DIY इंस्टेंट सॉलिड फर्टिलाइजर फॉर रेनी सीजन। इन दिस एक्साइटिंग वीडियो लर्न हाउ टू क्रिएट अ पावरफुल न्यूट्रिएंट पैक्ड फर्टिलाइजर एट होम टू कीप योर प्लांट्स थ्राइविंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वॉच नाउ एंड गिव योर गार्डन अ नरिशिंग ट्रीट। हे गाइस, दिस इज पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नेचर मेनिया में। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा फर्टिलाइजर लेकर आई हूँ जो कि आप डायरेक्टली अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 से 15 दिन का वेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज इतना इफेक्टिव फर्टिलाइजर है जो कि 5 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा तैयार हो जाता है और आपको इसमें मिट्टी वगैरह डालने की या और खाद ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। डायरेक्टली आप इसे अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इसी तरह का एक फर्टिलाइजर बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान है और कोई बिगनर भी इसको बहुत ही इजीली बना सकता है। पहले देख लेते हैं कि हमें किन किन चीजों की इसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो वैसे तो ये NPK फर्टिलाइजर बनने वाला है, लेकिन इसमें हम एप्सम सॉल्ट का भी यूज करने वाले हैं। तो एप्सम सॉल्ट मैंने आपको बनाना सिखाया था, ये मेरा एप्सम सॉल्ट का कंटेनर है जो कि ऑर्गेनिक है पूरी तरह से, और मैंने इसमें नींबू के छिलके ही डाले हुए हैं। और जो मिट्टी से मैंने इसको उस टाइम पर ढक दिया था, बस वही वाली मिट्टी इसमें अभी भी पड़ी हुई है। और जब भी मेरे और ज़्यादा नींबू के छिलके कलेक्ट होते हैं तो मैं इसको हटाकर इन्हें नीचे डाल देती हूँ और ऊपर से इसी वाले जो फर्टिलाइज़र मेरा तैयार है NPK जो एप्सम सॉल्ट तैयार है उसी से इसको ढक देती हूँ। जैसे कि अभी मैं 2 दिन पहले ही ये वाले नींबू के छिलके डालकर गई थी और ये काफ़ी जो है डिकम्पोज हो चुके हैं। तो इस तरीके से डिकम्पोज होते रहते हैं और मुझे अलग से इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब ये तैयार होगा तो ये इतना स्ट्रांग होगा कि मैं आधा चम्मच ही एक 12 इंच के गमले में ये डालने वाली हूँ। तो ये रेशो मुझे इसके लिए रखनी है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगा तब तक। ये है केले के छिलके और केले के छिलकों को मैंने बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस में कट कर रखा है और आप इनका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक गोल्ड बन गया है। और केले के छिलके इतना अच्छा फर्टिलाइज़र होता है कि मेरे ख्याल से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें कितनी सारी क्वालिटीज़ और कितने सारे गुण होते हैं। तो मैंने ये केले के छिलकों को छोटा छोटा सा कट कर लिया था और इनको मैंने सुखाया हुआ है और ये भी हम अपने फर्टिलाइज़र में यूज़ करने वाले हैं। और मैं ज़्यादातर इन कंटेनर्स का यूज़ करती हूँ किसी भी फर्टिलाइज़र को सुखाने के लिए, क्योंकि बहुत आसान होता है बारिश में से अंदर रखना और अंदर से बाहर निकालना। फटाफट से इन कंटेनर्स को उठाया और अंदर से बाहर आप रख सकते हैं। तो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया जाता है गार्डनिंग में और करना भी चाहिए, क्योंकि फेंकने से तो और हमारा इन्वायरमेंट ही गंदा होगा। तो हमें इस चीज़ का यूज़ करते रहना चाहिए। और ये तीसरा जो कंटेनर है ये चाय की पत्ती से भरा हुआ है और चाय की पत्ती को मैंने देखा इसमें कुछ बीज भी पड़े हुए हैं कुछ पौधों के, तो ये भी डल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है चाय की पत्ती है जो कि मैंने सुखा रखी है और ये भी मुश्किल से 2 दिन के अंदर सूख कर तैयार हो जाती है। किसी बड़े से प्लेट में आप इसको सुखा दीजिए, मिनटों में ये सूख कर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट जो है ये केले के छिलकों को जो है मैंने इसी तरीके से सुखाया था और सुखाने के बाद इनका कुछ टेक्सचर इस तरह का हो जाता है। मिक्सर में पीसना चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। मैंने इनको मिक्सर में नहीं पीसा बल्कि हाथों से ही ऐसे कर लिया था और हो गए, बहुत ही आसानी से ये तैयार हो गया है। नेक्स्ट जो है ये प्याज के छिलके हैं और इनको भी मैंने प्याज का जो ऊपर वाली लेयर होती है ना बिल्कुल बारीक वाली लेयर, वो वाली जो है ये है। इसमें आपको जो नीचे मोटा सा प्याज होता है जो गंदा वाला, उसको नहीं डालना है, उसे आप अपने कंपोस्ट बिन में ही डालें। आपको अगर इंस्टेंट फर्टिलाइजर तैयार करना है तो उसके लिए आपको प्याज के इस तरह के छिलकों को ही लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल बारीक होते हैं और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसी वाली चीज़ में होते हैं। ये चीज़ आपकी बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसको धोकर सुखाते हैं और इसको हल्का सा आप तवे पर भूनकर ब्लैक कर लेते हैं और उसको बालों में मेहंदी में मिक्स करके लगाते हैं तो गंजापन की शिकायत तो दूर होती ही है, साथ में आपके बाल भी बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाते हैं। तो वो वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी, लेकिन ये जो प्याज का जो फिलहाल हम बना रहे हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसे आप जल्दी ही यूज़ भी कर सकते हैं, 5 दिन के अंदर अंदर ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं ये केले के छिलके और यही रेशो जो है रखनी है। ये मेरे 3 से 4 केले के छिलकों का बुरादा है, इसको मैंने ले लिया है, और 4 से 5 प्याज के ये छिलके हैं इनको ले लेंगे। और चाय की पत्ती की रेशो आपको ये रखनी है कि जैसे ये मेरे 10 से 15 दिन की चाय की पत्ती है जिसे मैंने सुखाकर इकट्ठे ही रख लिया था, तो चाय की पत्ती थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चाय की पत्ती बहुत ही अच्छा सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि चाय की पत्ती डालने से पौधों में फंगल इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है, किसी तरह की फुंगी वगैरह नहीं लगती है। तो चाय की पत्ती का यूज तो आपको करना ही है, अगर इस तरह से सुखा के करेंगे तो किसी तरह की चींटी लगने का खतरा भी आपके पौधों में नहीं होता है। तो हम इनको कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स, क्योंकि हमने इन्हें बहुत अच्छे से सुखा लिया है, इसलिए हम इनको मिट्टी में ही पौधे में साइड में बहुत ही आसानी से दबा सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसकी आवाज सुन के ही पहचान सकते हैं कि ये कितना ज्यादा सूख चुका है। अगर आप चाहें तो इस पूरे मिक्सचर को मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। अभी ये वाला जो एप्सम सॉल्ट है, ये मुझे इसमें नहीं मिक्स करना है, क्योंकि पूरी तरह से डीकम्पोज नहीं हुआ है। जब पूरी तरह से डीकम्पोज हो जाएगा तब मैं इस तरह से इसी मिक्सचर में इसको मिक्स करके डाल सकती हूँ। वैसे एप्सम सॉल्ट को आप अलग से भी डाल सकते हैं तो भी उसका इफेक्ट उतना ही होता है। तो अभी मैं इसे, जब तक ये तैयार नहीं हो जाता तब तक इनको कंटेनर्स को धूप में ही रखूंगी। वैसे आप बिना धूप के भी इनको सुखा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको अपने पौधों में इसे अप्लाई करना है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिक्स हैं, इसलिए आपको इन्हें पौधों में जरूर अप्लाई करना चाहिए। वैसे तो आप खाद में भी इस तरीके से इसको बना सकते हैं, लेकिन इसको अपने पौधों पर अप्लाई करेंगे तो आपके पौधों में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत जल्दी होती है और आपको किसी भी और खाद की जरूरत डालने की बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है और इसमें किसी तरह की मिट्टी भी मिक्स नहीं है। जब आप इसे मिट्टी के में साइड में दबा देंगे तो ये अपने आप ही, वैसे तो इसको डीकम्पोज होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल तैयार है और इससे आपके पौधों पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो मैं इस तरह की फर्टिलाइजर बार बार अपने पौधों को देती रहती हूँ, क्योंकि हर 15 दिन में ये तैयार हो जाता है और 5 दिन में ये सूखकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो मैं 15 दिन के गैप से ही हमेशा फर्टिलाइज करती हूँ अपने पौधों को। बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी भी पौधों में नहीं डालना चाहिए। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस रेशो में आपको इसे अपने पौधों पर अप्लाई करना है और कितने इंच के पौधे गमले में आपको इसे कितना डालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा 17-18 इंच का एक पॉट है जिसमें मैंने सब्जियां उगाई थी और अब मैंने इसमें मटर भी उगाई है, जिसकी शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाल दी है और मटर का प्लांट भी निकल आया है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आपको दो कॉर्नर्स में इसको डालना है और मैंने इसमें दो मुट्ठी भर के इसको डाल दिया है, क्योंकि हमें सिर्फ पौधे की जड़ तक इसके लिक्विड को पहुंचाना है और इसका असर बस पौधों की जड़ तक जाना चाहिए। तो आपको पौधे से थोड़ा सा अलग हटाकर ही इसको डालना है, ज्यादा आपको इसके पास में नहीं डालना है गाइस, इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैं दोनों साइड इसको डाल देती हूँ। ये देखिए इतना गैप रखना, ये देखिए मटर के छोटे छोटे से प्लांट्स भी आपको इसमें नजर आ रहे होंगे। अब देखिए पास में ही एक मेरा पौधा लगा हुआ है तो बैंगन का, तो बस इसी के बराबर में मैं यहाँ पर इसको दबा दूंगी, लेकिन इसकी जड़ के बिल्कुल बराबर में नहीं दबाना है, थोड़ा सा गैप आपको रखना होगा। इस साइड भी मैं दो मुट्ठी ही डालूंगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसे मिट्टी से ढक देना है। ये देखिए इतनी गैप से मैंने इसको डाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए मटर के प्लांट 3 दिन में ही इतने ऊपर तक आ गए हैं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से मटर के प्लांट उग जाएंगे, तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। तो ये सब मेरे खाद का ही कमाल है, क्योंकि कंटेनर में नीचे भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भरा हुआ था, उसका भी असर जो है आपके पौधे पर आता रहता है। ये दूसरा कंटेनर है जो कि 18 से 19 या 20 इंच का होगा, जो कि थर्मोकॉल के बड़े बड़े बॉक्सेस हैं। तो इसमें भी मैं दो साइड ही डालूंगी और इसमें भी मैं दो मुट्ठी के करीब मैंने ये डाल दिया है भर के। अगर आप 12 इंच के गमले में डालते हैं तो एक मुट्ठी के करीब आपको इसे डालना है। तो मिट्टी से ढक जरूर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि बहुत ही जल्दी इसका असर आपके पौधे पर दिखना स्टार्ट हो जाए। ये क्रोटन का प्लांट है और इसमें भी डालूंगी, हालांकि मुझे इसमें एप्सम सॉल्ट जरूर डालना होता है। इसमें तो जरूर आपको एक महीने में एक चम्मच, जो भी आपने ये नींबू का बनाया है इसे जरूर डाल दिया कीजिए, कोई भी अगर आप क्रोटन का प्लांट रखते हैं तो। ये देखिए बस इतना मैं इसमें डालूंगी और इसको भी हमें जो है मिट्टी से ढक देना है। एक मुट्ठी के करीब ही मैंने इसमें डाला है, क्योंकि ये 12 इंच के करीब का पॉट होगा, ये मैंने खुद ही बनाया था टाइल से। तो बहुत ही सुंदर सुंदर पॉट्स हैं मेरे पास, इस तरह की कई सारी टाइल्स पड़ी हुई थी तो मैंने ऐसे 3 पॉट्स बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और 3 साल से ये कहीं नहीं गए हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं।
ऐसे पॉट्स आपको मार्केट में कभी भी नहीं मिलेंगे जैसे आप टाइल से बना सकते हैं। इसमें मैंने पैर भी बनाए हैं जिससे कि ये गिरते भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और ज़मीन के टच में भी नहीं रहते। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों साइड इसमें इसी तरीके से एक एक मुट्ठी जो है डाल दिया है और इसका असर आपको प्लांट पर मैं कैसा हो रहा है ये भी ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए, इसमें एक साइड जो है प्लांट उगे हुए हैं, इसके साइड से निकलते रहते हैं। तो ये इतना गमला जो खाली है बस मैं यहीं पर इसको डाल दूंगी। तो इसमें केवल एक ही तरफ जगह है, तो जहां पर जगह आपको नजर आए वहीं पर कीजिए। ऐसा ना हो कि रूट्स आपकी जो है टूट जाए, तो ऐसा नहीं करना है। पौधे का ध्यान रखते हुए ही आपको इस तरह की खाद जो है देनी है। इसमें भी मैंने एक मुट्ठी भर के जो है खाद डाल दी है। बहुत अच्छे से मिट्टी से जरूर ढकना है, ये एक मेन प्रोसीजर होता है इसका। अगर आपने इसको मिट्टी से नहीं ढका तो ये जब भी आप पानी डालेंगे तो गमले से बाहर निकल जाएगा। और साथ ये था मेरा इंस्टेंट फर्टिलाइजर। आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, कीप स्माइलिंग।